नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2024 का मैच नंबर 27 पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा। शिखर धवन की टीम पंजाब किंग्स को इस मैच में धूल चटाने के लिए राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन अपना खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दी है। जी हां दोस्तों, गुजरात के खिलाफ मिली हार के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पंजाब किंग्स के खिलाफ इस मैच के लिए अपने प्लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव की बात की है और इस बदलाव के बाद राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 अगले मैच से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है, जिसे देखने के बाद शिखर धवन के साथ साथ पूरी पंजाब किंग्स की टीम सदमे में आ गई है और मैच से पहले उन्हें हार का डर सताने लगी है। आपको बता दें, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में यह रोमांचक मुकाबला अप्रैल की 13 तारीख चंडीगढ़ पर शाम के 7:30 बजे से खेला जाएगा। बात करें राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में खेले गए अब तक की आईपीएल हिस्ट्री में हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो इन दोनों ही टीम के बीच में आईपीएल में अब तक टोटल 26 मैच हुआ है, जिसमें पंजाब किंग्स को सिर्फ 11 मैच में जीत मिली है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स को 15 मैच में जीत मिली है, यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में पंजाब से राजस्थान रॉयल्स बहुत ही आगे है और इसीलिए इस मैच में राजस्थान रॉयल्स को ही जीत का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। बात करें 2024 के आईपीएल में पंजाब और राजस्थान की रिसेंट फॉर्म की, तो पंजाब की टीम इस आईपीएल में अभी तक अपना 5 मैच खेल चुका है और इन्हें 3 मैच में हार मिली है और 2 मैच में जीत मिली है। दूसरी तरफ राजस्थान भी इस आईपीएल में अभी तक अपना 5 मैच खेल चुका है और इन्हें भी 4 मैच में जीत मिली है और 1 मैच में हार मिली है और इस आईपीएल की पॉइंट टेबल में भी राजस्थान रॉयल्स फिलहाल नंबर 1 पर मौजूद है। अगर 2024 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन बनना है तो पॉइंट टेबल में इसी पोजीशन को बरकरार रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए राजस्थान की कप्तान संजू सैमसन पंजाब के खिलाफ इस मैच में कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं और पंजाब के खिलाफ इस मैच के लिए अपने प्लेइंग 11 में सिर्फ खतरनाक और खूंखार खिलाड़ी को ही मौका देने की बात की है। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पंजाब के खिलाफ इस इम्पोर्टेंट मैच के लिए राजस्थान की कप्तान संजू सैमसन अपने प्लेइंग 11 में किन किन चुनिंदा गारा भूखे शेरों को शामिल करने की बात की है। उससे पहले आप सभी से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर संजू सैमसन का सच्चा फैन और आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईपीएल से रिलेटेड ऐसे सभी इंटरेस्टिंग अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो पंजाब के खिलाफ इस इम्पोर्टेंट मैच में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पारी का शुरुआत करने मैदान पर उतरेंगे राजस्थान रॉयल्स की दोस्त सलामी ओपनर जॉस बटलर, तो उनका साथ देंगे एसएससी जसवाल। जसवाल 2024 के आईपीएल में अभी तक अपनी फॉर्म के तलाश में है। इन्होंने जीटी के खिलाफ अगले मैच में 19 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 24 रन की योगदान, ये रन जसवाल जैसे प्लेयर के लिए कुछ भी नहीं है। बात करें इनके साथी खिलाड़ी जॉस बटलर की, तो जीटी के खिलाफ पिछले मैच में बटलर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे और इस मैच में 10 गेंदों का सामना करते हुए इनके बल्ले से सिर्फ 8 रन ही आए थे, लेकिन आरसीबी के खिलाफ मैच में जॉस बटलर आईपीएल 2024 का दूसरा शतक लगाते हुए आ रहा है, जिससे ये साफ पता चलता है कि जॉस बटलर काफी अच्छी फॉर्म में है, जिसके चलते पंजाब के खिलाफ अगले मैच में राजस्थान रॉयल्स की ये दोनों ही सलामी ओपनर से पावर प्ले में तेजी से शुरुआत की उम्मीद रहेगी। इसके बाद नंबर 3 पर है कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन। 2024 के आईपीएल में संजू सैमसन काफी अच्छी फॉर्म से गुजर रहा है और जीटी के खिलाफ अगले मैच में कप्तान संजू सैमसन 38 गेंदों का सामना करते हुए 68 रन की योगदान दी थी। इस तूफानी पारी में सैमसन 7 चौका और 2 गगनचुंबी छक्का लगाए थे। पंजाब के खिलाफ अगले मैच में भी कप्तान सबसे इसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी। इसके बाद नंबर 4 पर 2.0 यानी कि रियान पराग। 2024 के आईपीएल में रियान पराग भी अपने ड्रीम फॉर्म से गुजर रहा है, क्योंकि ऑरेंज कैप की इस ड्रेस में विराट कोहली के पीछे पीछे ही रियान पराग का नाम आ रहा है और जीटी के खिलाफ पिछले मैच में रियान पराग 48 गेंदों का सामना करते हुए 76 रन की योगदान दी थी। इस तूफानी पारी में रियान पराग सिर्फ 3 चौका और 5 गगनचुंबी छक्का लगाए थे। पंजाब के खिलाफ अगले मैच में रियान पराग से इसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी। इसके बाद नंबर 5 पर है ध्रुव जुरेल। गुजरात के खिलाफ अगले मैच में ध्रुव जुरेल को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन 2024 के आईपीएल में ध्रुव जुरेल भी काफी अच्छी फॉर्म से गुजर रहा है, क्योंकि दिल्ली के खिलाफ खेले गए मैच में ध्रुव जुरेल सिर्फ 12 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन की योगदान दी थी। इस पारी में इन्होंने 3 चौका लगाए थे और पंजाब के खिलाफ अगले मैच में भी ध्रुव जुरेल से उसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी। इसके बाद नंबर 6 पर है सिमरन हेटमायर। 2024 के आईपीएल में राजस्थान की ये प्रॉपर फिनिशर सिमरन हेटमायर काफी अच्छी फॉर्म से गुजर रहा है, क्योंकि जीटी के खिलाफ अगले मैच में सिमरन हेटमायर सिर्फ 5 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन की योगदान दी थी। इस तूफानी पारी में इन्होंने 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का लगाए थे। इसके बाद नंबर 7 पर है रविचंद्रन अश्विन। अश्विन जीटी के खिलाफ अगले मैच में अपने हिस्से का 4 ओवर में सिर्फ 40 रन खर्च किया था। इस मैच में अश्विन महंगा साबित जरूर हुए थे, लेकिन पंजाब के खिलाफ अगले मैच में अश्विन से इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी। इसके बाद नंबर 8 पर है ट्रेंट बोल्ट। गुजरात के खिलाफ अगले मैच में ट्रेंट बोल्ट को पता नहीं क्यों सिर्फ 2 ही ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिला था और
बोल्ट ने इस मैच में सिर्फ 8 रन खर्च किया था, यानी कि बोल्ट का इस मैच में इकोनॉमी था सिर्फ 4 का। और मेरे ख्याल से जीटी के खिलाफ इस मैच में हार की सबसे बड़ी वजह ट्रेंट बोल्ट को गेंदबाजी में नहीं लाना ही है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्यों ट्रेंट बोल्ट को फिर से गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, नीचे कमेंट करके अपना राय हमें जरूर दीजिए। उसके बाद नंबर 9 पर है आवेश खान। आवेश खान जीटी के खिलाफ अगले मैच में अपने हिस्से का 4 ओवर में 48 रन खर्च किया था और इन्हें एक महत्वपूर्ण विकेट भी मिला था। इसके बाद नंबर 10 पर है कुलदीप सेन। कुलदीप सेन जीटी के खिलाफ अगले मैच में अपने हिस्से का 4 ओवर में 41 रन खर्च किया था और 3 महत्वपूर्ण विकेट भी अपने नाम किया था। जीटी के खिलाफ पिछले मैच में कुलदीप सेन भले ही 3 विकेट का शिकार किया था, लेकिन इस मैच में इनका इकोनॉमी 10 से ऊपर था। लेकिन पंजाब के खिलाफ अगले मैच में कुलदीप सेन को अपने इकोनॉमी पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 11 पर है युजवेंद्र चहल। चहल भी जीटी के खिलाफ अगले मैच में अपने हिस्से का 4 ओवर में 43 रन खर्च किया था और इन्हें 2 महत्वपूर्ण विकेट मिला था। चहल का भी इकोनॉमी इस मैच में 10 से ऊपर था, तो चहल को भी पंजाब के खिलाफ इस मैच में अपनी इकोनॉमी पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह था पंजाब के खिलाफ अगले मैच के लिए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बेस्ट प्लेइंग 11। वैसे आपके ख्याल से संजू सैमसन और शेखर धवन में से कौन है अच्छा कप्तान, नीचे कमेंट करके अपना कीमती राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं सौरभ वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।